भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था ने अमृत महोत्सव 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आशुतोष त्रिपाठी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थाने महाराष्ट्र भारत व उनकी टीम सहयोगी समाज सेवक नईम खान एवं समाज सेवक हाशिम शेख भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था के कार्यकारी अधिकारी अल्ताफ खान कल्याण व सहयोगी रेलवे पुलिस IPS TA रामचंद्र RPF निरीक्षक भूपेंद्र सिंह TC कल्याण स्टेशन टिकट कलेक्टर श्री जैन जी द्वारा दिव्यांगों को कंबल बांटे गए। आप देख रहे हैं BST न्यूज 24। रेलवे RPF कल्याण की सहयोग से जो यहाँ पर जो आज दिव्यांगों को जो कंबल वितरण, इसके साथ साथ जो भी सम्मान वगैरह रहा, किस प्रकार का सम्मान रहा और क्या रहा? आज जो देश की 75वां जो अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव आज वहाँ पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ये एक उत्सव, ये एक पर्व के रूप में हम लोग मना रहे थे। जिस तरह से हमारी दिवाली थी, होली है, हम ईद मनाते हैं, उसी तरह के ये पर्व है हमारे देश के वासियों के लिए, हर एक वासियों के लिए गर्व कहीं से ये एक माहौल है कि हम आत्मीय आज़ाद हुए थे। और ये 75वां जो अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का त्यौहार है, ये हम लोगों ने कोशिश की, थोड़ी सी पहल की हमारे भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था के मेम्बर्स ने कि हम लोग दिव्यांग लोग हैं, जो जिनको कुछ दिखते नहीं है, कुछ शरीर से दिव्यांग है, उनके साथ हम मनाएँ, क्योंकि उनको प्रोत्साहन देना वो भी हमारे समाज के एक अंग है। तो ऐसे लोगों से हम सोचे कि हम आज ये त्यौहार मनाएंगे, और ये त्यौहार मनाने के लिए जो प्रमुख भूमिका जो निभाई है वो कल्याण के RPF के जो इंस्पेक्टर है भूपेंद्र सिंह साहब है, या जो स्टेशन मास्टर है, और जो टिकट के सभी पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिल के और भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था के जितने भी मेम्बर्स हैं सब लोग यहाँ पर आके और सब लोग एकत्र होके ये आज त्यौहार मनाए। और मुझे सचमुच बहुत गर्व आज महसूस होता है कि ऐसे बीच में हम रह के आज हम लोग अपने घर में ना मना के हम लोग इनके बीच में त्यौहार मनाए, तो हर एक देश के वासियों में ये एक सूचना और एक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं सब हमारे अंग हैं और हमको सबको संभालना है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था के जितने भी मेम्बर्स अक्रॉस इंडिया जितने भारतवर्ष में है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे तरह से अपना ये अमृत महोत्सव, ये त्यौहार मना रहे होंगे। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ देशवासियों का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर का, जो उन्होंने इतना बढ़िया एक त्यौहार हमारे दिल में एक जागृत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।